हेलो एवरीवन, आप लोग देख रहे हैं डब्ल्यू एस। तो यहाँ पे मेरे पास अपना वही पुराना वाटर टैंक, लेकिन यहाँ आज वाटर टैंक के बेड़े में शामिल हो गई हैं पांच नई चीज़ें। जी हाँ, पांच नई चीज़ें जो कि हैं अपना गैस लाइटर, पतंजलि का हनी, इनो, फेविकोल और टमाटो केचप, जिसे कि हम लोग पिचकू के नाम से भी जानते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इन सारी चीज़ों को पानी के अंदर ओपन करेंगे और देखेंगे कि हमें कैसे नज़ारे देखने को मिलते हैं। और यकीन मानो, इनो में और लाइटर में और पिचकू में तो मज़ा ही आ जाएगा, ना है तो आप लोग कहना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बारी बारी से। तो सबसे पहले बारी आती है हमारे इस गैस लाइटर की। तो देखते हैं पानी के अंदर इसे जला के जलता है या नहीं। तो यहाँ पे अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि आगे कुछ धमाल नहीं होने वाला है। ये देखो, अभी तो बस बुझबुझा ही छोड़ रहा है, लेकिन अभी देखो आप लोग मैं क्या करता हूँ इसके साथ। तो अब की बार मैं क्या करूँगा, ये लाइटर को लूँगा और प्लास्ट से पानी के अंदर तोड़ने की कोशिश करूँगा और फिर देखना ये आगे क्या होता है। दोस्तों, आप लोग मानोगे नहीं, मेरी पूरी छत हिल गई थी। नीचे जो भी लोग बैठे थे वो मुझसे पूछने आ गया कि भाई क्या हुआ है छत पे, क्योंकि 20-22 लीटर पानी भरा है टंकी में और इसने पूरी छत को ही हिला के रख दिया। ये देखो लाइटर की क्या हालत हुई है, ये यहाँ से टूट गया है, लेकिन इसने तो वाकई में धमाका ही मचा दिया था। तो अब बारी है हमारे हम सब के फेवरेट और हमारे चैनल के भी फेवरेट इनो की। तो चले इनो को पानी के अंदर ओपन करके देखते हैं कि कैसा नज़ारा देखने को मिलता है। और ये भाई ओपन हो जा। वाओ, ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर से कोई ज्वालामुखी फट गया हो। तो हमारा इनो तो निपट गया, हालांकि इसमें इनो काफ़ी कम था, लेकिन अब बारी है हमारे शहद की। तो मैं यहाँ पे पूरा शहद नहीं बर्बाद करने वाला हूँ, मैं बस थोड़ा सा ही शहद इस्तेमाल करूँगा। तो इसके अंदर मैं प्लेट रख दूँगा और फिर प्लेट के अंदर शहद को नाऊँगा। मैं हमेशा से अपने एक्सपेरिमेंट में चीज़ों को ज़्यादा वेस्ट नहीं करता हूँ, अगर कम में ही काम हो जाता है तो मैं उतने से ही काम चला लेता हूँ। तो चलिए अब शहद को इसमें निकाल के देखते हैं। वाह, ये काफ़ी अमेजिंग था कि देखा किस तरीके से शहद निकल गया। हालांकि जितना था वो तो निकल गया, अब जो कम बचा है उसको निकलने में दिक्कत हो रही है, लेकिन ये काफ़ी अमेजिंग था। इसका स्लो मोशन शॉट तो देखना पक्का ही बनता है। तो मैं अभी प्लेट से निकाल के देखता हूँ। तो ये देखो, हमारा शहद अभी भी खाने लायक है, अभी इसमें इतना पानी नहीं घुला है, क्योंकि ये वाकई में पहले से ही काफ़ी गाढ़ा होता है। तो ये देखो,
दोस्तों हमारा शहद भी निपट गया और आप लोग देख सकते हैं कि हमारा पानी हल्का सा बस पीला ही पड़ा है। अभी मैं इसे नहीं फेंकूंगा, अब की बार मैं यूज़ करूंगा ये टमाटो केचप यानी कि पिचकू। तो चलिए देखते हैं कि इसको अंदर पंप करने पर कैसा नज़ारा देखने को मिलता है। तो इसे मैंने ओपन किया, क्या ओह माई गॉड, ये नज़ारा तो कुछ जाना पहचाना लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि हमारा केचप पोटी कर रहा है, बिल्कुल वैसा ही लग रहा है। तो भाई सॉस ने तो आज कुछ अलग ही हमें नज़ारा दिखवा दिया। तो टैंक के अंदर काफ़ी सारी पोटी हो गई, हालांकि सॉस है तो सॉस भाई बुरा मत मानना, लेकिन देखने में तो वैसा ही लग रहा है ना, ये देखो। तो भाई सॉस ने तो आज कमाल ही कर दिया, टैंक के अंदर कचरा ही कर फैला दिया। दोस्तों अब लास्ट में बारी बची हमारे फेविकोल की। ये लकड़ी वाला फेविकोल है जो कि काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा होता है, पता नहीं इस टैंक के अंदर ये निकल के भी आएगा या नहीं बाहर। तो चले इसे ओपन करते हैं। तो ओहो, तो जैसे ही पानी के संपर्क में आया ये पानी को गंदा करने लगा, लेकिन खुद बाहर नहीं आया। अरे भाई बाहर आ जाओ। तो इसके अंदर हालांकि लगभग 50% फेविकोल है, लेकिन जो खुद से बाहर नहीं आ रहा, तो मुझे अपनी उंगली डाल के ये देखो ये फेविकोल बाहर निकालना पड़ा। तो भाई फेविकोल तो खुद से बाहर नहीं आ रहा है, और जब ये आया तो ये देखो ग्लास के अंदर भी चिपका ही जा रहा है, और यहाँ पे अभी टैंक में कुछ ज़्यादा ही कचरा फैल गया है। ये अच्छी, ओह माय गॉड, ये मुझे लगता है वीडियो का सबसे गंदा नज़ारा है। तो कुछ ऐसा हुआ जब भी मैंने फेविकोल को टैंक के अंदर खोला। तो अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी दबा देना। और मैंने पानी को वेस्ट नहीं किया, सारा पानी भर दिया अपने कूलर के अंदर।